Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the AFC class, AFC Business Communication. हमने पहली क्लास में कुछ बातें कर ली थी और हमने ये भी कहा था कि हम सीक्वेंस सर साथ वाली फॉलो करेंगे, जैसे सर कहेंगे आप वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे. हमने कहा था चैप्टर फोर से हम शुरू करेंगे. दोस्तों, ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, तीन बातें थी इस चैप्टर के अंदर, इंटर, इंट्रा और द थिंकिंग प्रोसेस. हमने इंटरपर्सनल से शुरू करना था और ये सारी एक्टिविटी फर्स्ट क्लास में हो गई थी. यहां तक हम फर्स्ट क्लास में पहुंच गए थे. सब अग्री करते हैं बेटा? आज लेक्चर नंबर टू है और हम पढ़ने जा रहे हैं परसेप्शन के बारे में. दोस्तों, हमने और आपने जो बातें करी फर्स्ट डे, वो सारी बातों का ताल्लुक बेटा परसेप्शन से था. अब आज की क्लास जब हम शुरू करेंगे तो परसेप्शन के बारे में भी जानना है और भी बेटा कुछ बातें करनी है. पहली बात ये समझे, परसेप्शन कहते किसको है? व्हाट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है. दोस्तों, बेटा फर्स्ट क्लास में टॉपिक नहीं पढ़ाया था. फर्स्ट क्लास की प्लीज वीडियो देखिएगा, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा बेटा. एक्चुअली मेरा टाइम टेबल थर्सडे यूजली नहीं हुआ करेगा, लेकिन आज क्लास चूंकि लगा दी थी इसलिए मैं आधे घंटे के लिए मैं अभी ऑनलाइन आ गया हूँ. लेकिन मेरी थर्सडे बेटा, मेरे बच्चों, मेरी कुछ क्लास का स्केड्यूल जो है ना क्लैश कर गया है, तो नेक्स्ट वीक मेरी थर्सडे क्लास नहीं होगी, तो वो टाइम टेबल चेंज होगा अभी मेरी क्लास का, बिकॉज इसमें मेरा क्लैश आ रहा है. ठीक है ना, समझ गया ना? बस आज परसेप्शन पढ़ाना है, पहले समझो. बच्चों थोड़ा सबर करो, मैं सब बताऊंगा लेकिन थोड़ा सबर, सब बातें हो जाएंगी. सुने बेटा, मैं रिपीट करता हूँ उनके लिए जो फर्स्ट डे नहीं थे. चलो और बोलो तुम लोग को क्या चाहिए. देखो, मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, वो मैं नहीं बता रहा, उसमें टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक दफा बता चुका और दो दफा वो हजम नहीं होता. अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनो. बात ये है,
फोर से हमने कोर्स शुरू किया है, क्योंकि सर ने बताया था सीक्वेंस यही ठीक है। चैप्टर फोर तीन बातों का नाम है, उसमें से पहली बात का नाम है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट क्लास में बात हो गई थी। अब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो एक इंसान अपने जहन में खुद बात करता है अपने आप से, सही है, टॉकिंग विथ वन्स ओन सेल्फ, ठीक है। इंसान का अपने आप से बात करना ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर इंसान का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ये मैंने बता दिया। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं वो भी सुनिएगा बेटा, मैं पूरा लिख देता हूं। कम्युनिकेशन बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट बैठे ना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेरे दोस्तों समझे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन समवन हु इज इंस्ट्रक्टिंग सम किड्स, कुछ किड्स को कोई बातें बता रहे हैं, सही है। तो एक इंसान का वन टू एनदर, किसी इंसान का दूसरे इंसान से बात करना बेटा ये कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चाहे आपका उससे कोई ताल्लुक हो, चाहे आपको उससे कोई ताल्लुक ना हो। इसी चैप्टर में बेटा तीसरी भी एक चीज है, उसका नाम है द थिंकिंग प्रोसेस। क्या है बेटा द थिंकिंग प्रोसेस? और बेटा इसमें आप पढ़ेंगे तो दुनिया में हर इंसान एक तरह नहीं सोचता, दे आर डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स, ठीक है। अब यहां तक समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो इंटरपर्सनल नहीं कहलाएगा बेटा, इंटरपर्सनल कहलाएगा सुफियान। अगर आप किसी को सलाम करते हैं तो वो इंटरपर्सनल कहलाएगा, इंट्रा नहीं बेटा, इंटरपर्सनल। सलाम जो करना है ना वो इंटरपर्सनल है बेटा, ओके जी। मोरओवर पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा
और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों, ये मैंने बता दी, किसी इंसान का, हाँ, दुरूदे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल जबरदस्त। इंसान अपने आप के अंदर जो चीज पढ़ रहा है सही है, वो इंट्रापर्सनल होगा। दुआ मांगना इंट्रापर्सनल होगा। किसी इंसान से बात करना, बातचीत करना, वो था कि इंटरपर्सनल। अब दूसरी बात बेटा, अब सुनना, बेटा नेक्स्ट बात, एक टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, परसेप्शन। परसेप्शन किसे कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं कि आपको अल्लाह ने टोटल दिए 5 सेंसेस। इन 5 सेंसेस को यूज करना, 1 सेंस और मोर देन 1 सेंस। पांच सेंसेस क्या होती हैं बेटा? टच होता है, साइट होता है, हेयर होता है। आप लोग बताएंगे। पांच सेंसेस इंसान की, मैं चुप हो गया हूं। देखना, सुनना, टेस्ट जबरदस्त, और एक आखिरी स्मेल। दोस्तों पांच सेंसेस में से कोई भी एक सेंस यूज करना या मोर देन 1 सेंस यूज करना। याद रखो, जैसे मैंने घर में एंटर हुआ, सुनिएगा एग्जाम्पल। ये सुनने वाली एग्जाम्पल से बेटा, आज चूंकि क्लास ऑफ नहीं हो इसलिए मैंने क्लास रखी है, मेरा क्लैश है बेटा। आप लोगों ने इंश्योर करना है कि एक्टिवली मेरी बातों को आप सुने, ठीक है बेटा? अब सुनो। नहीं बेटा, ब्रेन सेंसेस में नहीं है, मुनव्वर 5 सेंसेस में बेटा ब्रेन नहीं आता। ये किसने कहा आपको? बेटा 5 सेंसेस में ब्रेन नहीं आता, गलत बोला बेटा। सही है। अच्छा, अब मैं सुनाता हूं बातें, अब सुनना। दोस्तों रेडी है? चलो मैं घर में एंटर होता हूं और मुझे खुशबू आती है। उन खुशबू को सूंघ के मैं फौरन कहता हूं, यार क्या बना है, बिरयानी बनी है? मुझे बताओ मैंने कौन सी सेंस यूज की? जी बेटा, मैंने कौन सी सेंस यूज की स्मेल की? शाबाश बेटा, सेंस जब यूज हुई तो आप ये गौर करो कि सेंस यूज होने में, बेटा सेंस यूज होने में, सेंस से काम था खाली खुशबू लेके जाना। सेंस की, सेंस मेरे ब्रेन को मैसेज दिया, सेंस ने, ब्रेन ने उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाई।
ये जो मेंटल पिक्चर बनी ब्रेन के अंदर सेंस करते ही बेटा, इसको बोलते हैं परसेप्शन। बेटा इसको बोलते हैं परसेप्शन। आई रिपीट, जो आपके जहन में पिक्चर बनी ना आपने फॉर्मूले, यार ये तो बिरयानी की स्मेल है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं मुझे 5 एग्जांपल्स दें विद इन अ मिनट, आप लिखें तो पूरी क्लास मिला के मुझे 5 एग्जांपल दें, मुझे वो 5 एग्जांपल चाहिए बेटा। शाबाश, जिसके अंदर दिमाग आपको ये बताए कि जी ये फला चीज है,
तो अब जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हियरिंग ऑन फैन बेल टचिंग रफनेस डायरेक्ट सिग्नल टू ब्रेन। इसकी एग्जाम्पल बेटा यूं समझें, लाइट चली गई, आपका अपना घर है लेकिन आप कितने कॉशियस हो जाते हैं एंड आप दीवार को टच कर रहे हैं, तो दीवार को दबा नहीं रहे आप, आपको पता है अभी स्विच आया नहीं है। आगे जाते हैं आगे जाते हैं आगे जाते हैं आगे जाते हैं, फिर इवेंचुअली जाके आप दीवार को, जब आप देखते हैं स्विच बोर्ड आ गया है, तो अब आप जाके आगे जी आप बटन प्रेस करते हैं। सही है। व्हाट आई नीड टू से इज आपके जहन ने सिग्नल दिया टच की वजह से इस जगह पे आपको करना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आपको स्मेल ऑफ रेन, एक हवा चलना शुरू होती है या हब्स हो जाता है, तो आप उस चीज से फिर सेंस करते हैं कि यार बारिश होने वाली है, यार बारिश हुई थी लगता है आज सुबह, और लगता है रात में बारिश हुई थी, ऐसे ही है ना। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है भाई दोस्तों? इन तीन चीजों में सिर्फ यही है। क्या मतलब बेटा? नहीं बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। तो आपकी जो सेंसेस है, बेटा की पॉइंट्स रीडिंग करके निकालने होते हैं, बताए नहीं जाते। नहीं, आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा, आपको बुक के ऊपर एग्जाम्पल मेरी नोट करनी है। आपने बेटा सिर्फ बुक के ऊपर मेरी एग्जाम्पल्स को नोट करना है। नहीं बेटा, डिक्टेशन नहीं होगा, आपने बेटा बुक के ऊपर एग्जाम्पल्स को नोट करना है। तो परसेप्शन, को आप समझे कि परसेप्शन किसे कहते हैं, लेकिन जब आप परसेप्शन को समझे तो आपको पता चला कि यार ये परसेप्शन फाइव सेंसेस से बिलोंग करता है। और बच्चों ये फाइव सेंसेस सबकी सेम चलती है, कोई बीमार ना हो तो हर एक को आसमान दिख रहा है, हर एक को बारिश फील हो रही है, बट हर एक का बेटा, हर बच्चे का बेटा, हर एक का और हर बच्चे की सोच एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बारिश शुरू हो गई तेज, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बोल रहे हो अरे घर में अंदर आ जाओ यार गीले हो जाओगे, और उसी वक्त बेटा कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे हैं ओ भाई चलो सीन ऑन है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई इतनी? अच्छा जी। हाँ अब सुनो, सिक्स सेंस का डिस्कस नहीं करना बेटा। बेटा ये सवाल जो जवाब दे दूं, हमें रजिस्टर बनाना है लेकिन हमें किसी को बनाना नहीं है, रजिस्टर मेंटेन करना है। करने का मतलब है आपने अपने की पॉइंट्स नोट करने हैं रजिस्टर पे। सही है बेटा, अपने की पॉइंट्स नोट करने हैं रजिस्टर पे, मेंटेन करना है रजिस्टर। आपको जो बात खास इंपॉर्टेंट लग रही है आप वो नोट करेंगे। डन बेटा? सही। अच्छा बेटा, पांच सेंसेस की बात हो रही थी,
तो पांच सेंसेस ब्रेन को मैसेज देते हैं, ब्रेन उसको एक पिक्चर देता है। तो वो जो मेंटल पिक्चर बनती है ना, वो सबकी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं बेटा, जिनको बारबेक्यू बिरयानी से ज्यादा अच्छा लगता है? बताएं जरा, कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं बिरयानी से अच्छा बारबेक्यू होता है? और कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बिरयानी अच्छी है बारबेक्यू से? देखो, ये वो लोग होते हैं जिनसे कुछ पूछा जाए ना, तो इनको मुश्किल जवाब देना नहीं आता। क्या करते हैं सर, दोनों ही अच्छे लगते हैं। बेटा जो पूछा है वो बताओ ना। समझ में आया? अब सुनो, अब सुनो, हो गई सारी बात, अब मैं बात करता हूं। कोई ऐसा है जिसको नहीं सर बिरयानी नहीं यार, सर बारबेक्यू? कौन ये जुमला पे मुझे साथ कराएगा? नहीं सर बिरयानी नहीं, सर बारबेक्यू नहीं। कौन मेरे साथ इसमें? इल्मा, फरीन, ठीक है जी, अनीक। बेटा ये है मेंटल पिक्चर, जो किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है। चीज सेम है, चीज सेम है बेटा, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेंटल पिक्चर का। बिल्कुल इसी तरह किसी को व्हाइट कपड़े अच्छे लग रहे हैं, किसी को रेड, किसी को ब्लू, किसी को ब्लैक। तो देखने में कलर सबके लिए सेम है, लेकिन चॉइसेस डिफर करती हैं। याद रखो, हमारी जिंदगी में इस परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है, इस परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। बाय द वे, एक बात बताऊं तुम लोग को, बारबेक्यू होता है अच्छा, लेकिन आपस की बात है, बिरयानी बिरयानी होती है यार, बिरयानी बिरयानी है, ठीक है ना? क्या ख्याल है? ठीक है, फरहान की बिरयानी, आए हाय जबरदस्त। बारबेक्यू तो बेटा इल्मा होता ही अच्छा है ना उसकी तो, लेकिन बेटा जो बिरयानी, फॉर एग्जांपल बारबेक्यू तो यूजली रात के वक्त, शाम के वक्त ज्यादा अच्छा लगता है, दोपहर में आपने कर लिया, लेकिन ओहो जो बिरयानिया उसका तो नेक्स्ट लेवल मजा है ना यार। एनीवेज, सिचुएशन सिचुएशन सही है, डिफर करता है। चलो, तुम लोग लगता है सब खाने पीने के फुल शौकीन बैठे हो। हाँ, बिरयानी हर वीक 3 टाइम्स, ठीक है। चलो चलो, ओके। मैं अभी बारबेक्यू की तारीफ नहीं करी, बारबेक्यू का नाम आएगा तो फिर मैं ठीक है जी, तो आप मुझसे रात में क्लास ले रहे होंगे तो मैं आपको फिर बारबेक्यू के फजाइल बयान करूंगा, ठीक है? बारबेक्यू में कुछ चीजें बहुत औसम है, बहुत औसम है। इंशाल्लाह फरहान की बिरयानी खाने जाएंगे, फरहान इज बेस्ट है। अच्छा दोस्तों, ये कुछ फीडबैक थे जो मुझे दिखाने थे। अच्छा, दिखाने इसलिए थे दोस्तों कि इंशाल्लाह एक दिन इसी तरह आपका भी फीडबैक आएगा। बेटा पढ़े इसे, मैं कुछ चाहता हूं टेस्ट करना।
लिया, आगे आ जाऊं। सुनो सही दोस्तों, आगे तो आओ। बेटा ये देखो, ये जो बात है प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, ये आप लोगों को मुझसे पूछनी होगी, नॉट हियर। ये हम ऑन व्हाट्सएप डिस्कस करेंगे, या तो आज की रात या कल की रात, ठीक है? आप लोग रिमाइंड कराएंगे। याद रख लें, एएफसी में टोटल कितने पेपर हैं बेटा, बोलो? तीन को अलग कर दो, उनको जो टीचर जिस तरह कहते हैं उसको फॉलो करो। चौथा पेपर अल्लाह के हुक्म से मेरे नाम पे छोड़ दो, मेरे काम पे छोड़ दो, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, मेरा नंबर सबको बताया है भाई। जो बच्चे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन बेटा मजे के आते हैं। नंबर पूछ रहे हैं, नंबर इज 0345352। फाइव थ्री फाइव टू मिल गया नंबर। बेटा स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, चलो नेक्स्ट। बेटा ये अभी लेटली हमारी एक स्टूडेंट का मेरिट आया था, अलीजा, ये उनका कमेंट है। इसी तरह यार, ये बस ये कुछ मैंने आपके सामने शेयर किया है। मैंने आपको कहा था कि एक आपने चार टीचर से पढ़ना है, लेकिन एक आपको ऐसा भाई मिला है, आप टेंशन ना लें दोस्त, जमन जिससे आप गपशप, कोई मसला हो, लोग टीचिंग के अलावा जो मसाइल है ना, आपके मसाइल और उनका हल, वो वाला मामला होता दोस्तों। भाई नंबर बोल रहे हैं, मैसेज में लिख दें। ओके फाइनली बेटा एक कमेंट ये। अच्छा आपको पता है मैं ये किसको डेडिकेट करता हूं सर, जो भी लिखा हुआ टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये उनका हक है। ये सारी तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त ये तो दिस इज दीज आर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स नॉट जस्ट दे आर हियर, दे आर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये ऑनर दिया कि अपनी कंट्री को मोर देन 40+ कंट्रीज में, सेफली कह रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। परसेप्शन की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है, मेरी जबान में सुनोगे, द मेंटल पिक्चर विच कम्स इन टू योर माइंड यूजिंग एनी ऑफ द फाइव सेंसेस। दोस्तों ये एक और मेरिट होल्डर थे, जईम अली खान। दोस्तों थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप पे मुझसे मेरी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी पूछना ना भूलिएगा, ठीक है भाई? आई होप वील हैव एन अमेजिंग टाइम लेटर ऑन इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।